नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम एक मैथ का प्रश्न डिस्कस करेंगे। तो हम यहाँ जिस प्रश्न की बात करेंगे उसको पहले देख लेते हैं। तो प्रश्न हमारा क्या है, प्रश्न है कि यदि आयत की लंबाई में 80% की वृद्धि और चौड़ाई में 20% की वृद्धि होती है तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। ठीक है, तो जब ऐसे प्रश्न आ जाए जहाँ पर लंबाई में भी वृद्धि हो और चौड़ाई में भी वृद्धि हो और हमसे क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ऐसे प्रश्न पूछे जाए तो हम यहाँ पर एक सूत्र लगाते हैं, प्लस माइनस आर वन प्लस माइनस आर टू और प्लस माइनस आर वन इंटू आर टू भागे 100। ठीक है, ए वाला फॉर्मूला लगाएंगे। अब यहाँ R1 और R2 किसको मानेंगे, तो R1 जो पहली चीज में वृद्धि हुई है और R2 जो दूसरी चीज में चेंज हुई है वह। अब यहाँ प्लस माइनस का क्या मतलब है, तो प्लस माइनस का मतलब है कि अगर वृद्धि होती है तो प्लस लगाएंगे और कमी होती है तो माइनस लगाएंगे। ठीक है, अब R1 में भी वृद्धि हुई है और R2 में भी वृद्धि हुई है, यानी प्लस दोनों जगह लगेगा। तो क्या सूत्र बनेगा, R1 प्लस R2 प्लस R1 इंटू R2 भागे 100। ठीक है, क्योंकि सब प्लस प्लस में है, वैल्यू रख देंगे। R1 की वैल्यू है 80, R2 की वैल्यू है 20 और यहाँ 80 गुणा 20 भागे 100। ठीक है, 80 और 20 कितना हो गया, 100 हो गया। जीरो 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 से जीरो, आठ दूनी 16, तो यहाँ 116% की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, तो जो उसका क्षेत्रफल है उसमें 116% की वृद्धि हो जाएगी। तो इस फॉर्मूले की मदद से आपको बड़े ही आसानी से आपको लगा लेना है, याद रखना है सिर्फ साइन का। अगर दोनों जगह वृद्धि हुई है तो प्लस लेना है, दोनों जगह कमी हो रही है तो दोनों जगह माइनस आएगा, और अगर एक जगह वृद्धि और एक जगह कमी हो रही है, जैसे R1 में वृद्धि हो रही है R2 में कमी हो रही है, तो इसको प्लस लेंगे इसको माइनस लेंगे, बस इतना इस सूत्र में आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऐसे ही नॉलेज बढ़ाने वाले वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने चैनल पीके गुरुजी के साथ। नमस्कार।